हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही कॉलेज की परीक्षाओं पर। अभी अभी शिक्षा मंत्रालय ने आप सभी की एग्जाम डेट्स के साथ साथ स्नातक और पश्चनातक 2022 में होने वाली परीक्षाओं पर काफ़ी बड़ा परिवर्तन भी कर दिया है। कोरोना की चौथी वेव के मद्देनजर देखते हुए यहाँ पे काफ़ी स्कूल कॉलेज आज से बंद भी हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने वाले इन पर भी काफ़ी बड़ा संकट आ चुका है। परीक्षा तिथियां आप लोगों की आ चुकी हैं सामने। पूरी अपडेट आज के इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट होगी। वीडियो तो अंत तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे भी कॉलेज की परीक्षाओं से रिलेटेड जितनी भी अपडेट जारी हो आप सभी तक सबसे पहले बिल्कुल सटीक पहुंचा जा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, बताते हैं आपको पूरी खबर कॉलेज एग्जाम्स 2022 पर, यूनिवर्सिटी एग्जाम डेट 2022 पर। तो दोस्तों आज की काफ़ी बड़ी अपडेट होने वाली है। जितने भी हमारे बीए के, बीएससी के, बीकॉम के छात्र हैं, एमएमएससी, एमकॉम के छात्र हैं, आपको बता दें 2022 में कोरोना की चौथी वेव काफ़ी ज़्यादा संकट ला रही है। अभी अभी यहाँ पे ये आया है सामने, शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की चौथी वेव अब आप सभी के एग्ज़ाम डेट्स पर संकट ढा सकती है, क्योंकि कोरोना की चौथी वेव के केसेज जो हैं मिलने स्टार्ट हो चुके हैं काफ़ी तेज़ी से। पिछले एक हफ्ते में काफ़ी तेज़ी से केसेज जो हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, ऊपर की ओर गया है ग्राफ। अब यहाँ पे बिना परीक्षा साथ हो सकेंगे प्यास। इस बार भी विश्वविद्यालय के जितने भी बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएमएससी, एमकॉम के छात्र हैं, हमारे अधिकतर छात्रों ने कमेंट किया था कि इस बार 2022 में सर सिलेबस बिल्कुल भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, ना कि बराबर पढ़ाई हुई है। किताबें खरीदने जा रहे हैं तो किताबें भी नहीं मिल रही कई कई सब्जेक्टों की, तो ऐसे में छात्र कैसे पढ़ाई करेंगे जब उनका पास किताबें ही नहीं, उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, उनकी क्लासेस रेगुलर लगी नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें 2022 का जो सत्र है ये काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था। छात्रों ने जो क्लासेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देर से चालू की थी और कोरोना की सेकेंड और थर्ड वेव भी 2022 में काफ़ी ज़्यादा छात्रों का एक समझे कि कारण बनी कि छात्रों की पढ़ाई मारी गई। अब यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएमएससी, एमकॉम के हमारे जितने भी छात्र और छात्राएं हैं आप सभी की परीक्षाओं पर कोरोना की चौथी वेव का भी संकट आ रहा है। और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आ रही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीए, बीएससी, बीकॉम के, एमएमएससी, एमकॉम के फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के छात्रों को फिर से इस बार मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर प्रमोट किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां धीरे धीरे करके बन रही हैं। कोरोना की चौथी वेव पहली, दूसरी और तीसरी वेव में जिस प्रकार से स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए थे, इसी प्रकार से अब फिर से स्कूल और कॉलेज काफ़ी स्टेट्स में बंद हो रहे हैं और फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण परीक्षाओं पर भी काफ़ी बड़ा संकट आ रहा है। माना जा रहा है कि कोरोना की चौथी वेव अगर आई और यहाँ पे आप लोग जैसा कि समझते हैं इस समय केसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि चौथी वेव की स्टार्टिंग हो चुकी, पीक कितना जाता है इसको देखते हुए आप सभी के एग्ज़ाम्स को फिर से आगे बढ़ाया जाता जा सकता है, या फिर आप सभी को मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर क्या किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। अब काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएमएससी, एमकॉम के छात्र पहले भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का प्रस्ताव जो है कोर्ट में रख चुके थे, मांग रख चुके थे। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने पर भी यहाँ पे सोचा जा रहा है, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप सभी की परीक्षाएं जो है ऑनलाइन माध्यम में भी कराई जा सकती हैं। और लेटेस्ट अपडेट आ रही है बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएमएससी, एमकॉम के एग्ज़ामों पर फिर से छात्रों को मिड टर्म परीक्षाओं के आधार पर जो है इस बार प्रमोट किया जा सकता है। काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है हमारे जितने भी छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आगे से रिलेटेड जो भी